हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विकलांग जन और सरकारी नौकरी सर्टिफिकेट आपके पास टेम्परेरी टाइप का, उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप बातें करते हैं मुझसे, तरह तरह की बातें आती हैं कि निकाल दिया जाता गवर्नमेंट जॉब से टेम्परेरी सर्टिफिकेट वालों को। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली ऐसी वीडियोज आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि विकलांग सर्टिफिकेट जो टेम्परेरी टाइप का है उसका मतलब क्या होता है, वो तो आप जानते ही, फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूं। ये एक ऐसी विकलांगता होती है, ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो ये दिखाता है कि जो आपकी विकलांगता है वो आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में सही हो भी सकती है। जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगी, हो भी सकती है, इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकता है फ्रेंड्स। और सत्ता के तौर पर फ्रेंड्स आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब से नहीं निकाल सकता, ये भी एक रूल है RPWD एक्ट 2016 का, उसमें साफ साफ है। यदि आपकी विकलांगता फ्रेंड्स 40% है, आपकी विकलांगता 40% या फिर इससे ज़्यादा है, तो आप विकलांग माने जाएंगे। टेम्परेरी परमानेंट का कोई फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। और दूसरी बात मैं बताऊं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैसे रिजेक्ट कर दिए जाते, क्यों रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, सबसे पहले मैं आज इस मुद्दे पर बात करने वाला हूं। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कुछ एक भाई तो मेरे ये कह रहे थे मुझसे, यार आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपको पाप लगेगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है, जो सच्चाई है और जो मैं यार देख रहा हूँ वही तो मैं आपको लोगों को स्प्रेड कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। एक भाई ने मुझसे ये भी बोला कि आप व्यूज पाने के लिए ऐसा करते हैं। यार व्यूज पाने के लिए करता, मैं तो टैग वीडियोज नहीं बनाता, मेरे पास लाखों सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं टैग वीडियोज बनाता, बहुत सारे व्यूज आते। मान लीजिए इंडिया में नॉर्मल लोगों की अपेक्षा विकलांगजनों की संख्या कम है, है ना, और उसमें भी टोटल विकलांगजन मेरी वीडियोस को नहीं देखते होंगे, तो फ्रेंड्स ये मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे पास इतने व्यूज नहीं आएंगे। यदि मैं ऑल ओवर इंडिया के लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ तो मेरे पास ज़्यादा व्यूज गेन कर सकता हूँ मैं, है ना। लेकिन आप इतना नहीं सोचते यार, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, जहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके लिए पर्सनल मैंने चैनल बनाए दो फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आप मुझसे ये कहते हैं व्यूज पाने के लिए, यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे इल्ज़ाम ना लगाए। तो देखिए सबसे पहले यार मैं आता हूँ, देखिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाता हूँ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन फ्रेंड्स उसमें भी अब देखिए गवर्नमेंट का यार रूल ही ऐसा है कि मैं आपको क्लियर नहीं समझा पाता हूँ। क्लियर का मतलब यह है आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से मैं भी सॉल्यूशन चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। विकलांगजनों को रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी है, जिनको हम क्लियरली नहीं समझ सकते, लेकिन फ्रेंड्स चलिए फिर भी हम कोशिश करते हैं आज की वीडियो में फिर से एक बार इस चीज़ को जानने की। देखिए विकलांगजन जो होते हैं उनके पास टू टाइप्स के सर्टिफिकेट होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी सर्टिफिकेट, टू टाइप्स के होते हैं। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह, आपकी जो विकलांगता वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए मोस्टली फ्रेंड्स। देखिए अब गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बात करें, जब भी गवर्नमेंट जॉब की कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले उसका अनेक्सर आता है यानी कि नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में क्लियर दिया होता है कि विकलांगजनों की ये प्रतिशतता, ये विकलांगता इस टाइप की होनी चाहिए फ्रेंड्स। यदि वो नहीं होता है तो फ्रेंड्स टेम्परेरी टाइप का भी अप्लाई कर सकता है। देखिए उसमें साफ साफ लिखा होता है कि टेम्परेरी सर्टिफिकेट इज़ नॉट अलाउड, अगर ऐसा लिखा है तो फ्रेंड्स आप अप्लाई ना करें। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। अब मान लीजिए चलिए जिसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं टेम्परेरी है तो ये अप्लाई नहीं कर, तो फ्रेंड्स वो जनरल में तो आ सकता है ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम उसको क्यों निकाल देते हैं ये बताइए। कि आप विकलांग हैं, आपकी जो भी है विकलांगता है वो इतनी नहीं है कि आप 40% हो जाओ, और इतनी भी कम नहीं है कि आपको फ्रेंड्स, तो इसका मतलब वो कभी जॉब नहीं करेगा, है ना। ये भी तो आप सोचिए फ्रेंड्स, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन सच बात यही है कि फ्रेंड्स अगर वो व्यक्ति 40% नहीं है तो फ्रेंड्स उसको जनरल की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, है ना। वो UP+ के लिए फिर तो अप्लाई कर सकता है, अगर नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स उसको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए विकलांग कोटा से। इस बात को आप खुद सोच के देखिए थोड़ा सा। अब दूसरी बात मैं बताऊं, चलो ये बात तो एक रियलिटी हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि कहीं भी फ्रेंड्स ऐसा है ही नहीं। और आज तक मुझे मेरे बहुत ही फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सर्च किया, एक मेरे फ्रेंड है वो आने वाले हैं, उसके बाद मेरे पास एक कमेंट आया कि आप इंटरव्यू कीजिए, मैं बहुत जल्दी इंटरव्यू करने वाला हूँ जिनका टेम्प्रेरी सर्टिफिकेट से जॉब मिली हुई है, वो भी SSC CHSL में। तो फ्रेंड्स मैं इंटरव्यू करूँगा, उसमें बताऊँगा फ्रेंड्स आपको रूबरू होकर। लेकिन मेन बात यार फ्रेंड्स से फ्रेंड्स बार बार आप कमेंट करते कि ऐसा कुछ नहीं होता, टेम्प्रेरी वालों को निकाल दिया जाता है, ऐसा हो जाता है। एक भाई तो ये बोले मैं आपको यार पैसे दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, आप समझिए बात को। देखिए टेम्परेरी टाइप का जो सर्टिफिकेट होता है उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपकी जो विकलांगता है 40% है, आज
आज आप विकलांग हैं, हो सकता है फ्यूचर में आपका सुधार हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं हुआ तो वो विकलांग नहीं रहेगा, फिर वो तो कहीं का भी नहीं रहेगा। इसीलिए फ्रेंड्स के मेरे कहने का मतलब टेम्परेरी टाइप का जो सर्टिफिकेट होता है उसका जो सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट होती है वो जब आप अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब तक फ्रेंड्स वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और तो फ्रेंड्स आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फ्रेंड्स टेम्परेरी हो फिर चाहे आपका परमानेंट हो। फ्रेंड्स इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आई, फिर भी मैं समझाने की एक तरीके से और कर देखिए, एक बात मैं और बताता हूँ विकलांगता को लेकर। देखिए टेम्परेरी सर्टिफिकेट जो होता है जब वो आपका 40% बन जाता है तो आप प्रॉपर, जैसे 40% से ज़्यादा परमानेंट वाले होते हैं उतने ही आप विकलांग माने जाएंगे तब तक जब तक आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं हो जाता, उसके बाद आप रिन्यू करवा लेते हैं तो फ्रेंड्स फिर से आप विकलांग हो जाएंगे। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, मिलने के बाद फ्रेंड्स आपका एक्सपायर हो जाता है और रिन्यू नहीं होता है, उस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होता है आपको जॉब से नहीं निकाला जाता है। इससे भी रिलेटेड बहुत सारी कमेंट आती है, इसलिए नहीं निकाला जाता है क्योंकि फ्रेंड्स आपने जब अप्लाई किया था तब तो आप विकलांग थे, इम्प्रूवमेंट हो गया तो आपकी सुविधाएं थोड़ी सी कम कर दी जाएंगी, बस इतना होता है फ्रेंड्स। आपको जो कुछ अलाउंस एक्स्ट्रा मिलते थे वो कम हो जाएंगे बस, यह आपकी जिम्मेदारियां बदल दी जाएंगी, इतना होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, टेम्परेरी सर्टिफिकेट वाले गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तब वो सारा नोटिफिकेशन पढ़े, अनेक्सर पढ़े, और उसमें साफ साफ सब कुछ लिखा होता है। उसमें ये भी लिखा होता है कि इस कैटेगरी के या फिर इस कैटेगरी के जो विकलांग जन है वो इसमें वैलिड है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए रिजेक्ट क्यों होता है, रिजेक्ट होने का रीजन समझिए। देखिए विकलांग जन जब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद वो नोटिफिकेशन को सही से नहीं पढ़ते, और दूसरी बार वैकेंसी डिटेल को भी वो सही से नहीं पढ़ते हैं। जब भी वो देखते हैं पोस्ट, इतनी पोस्ट हैं, मान लीजिए कोई भी जॉब है SSC मान लो, उसमें पोस्ट बताई डाटा एंट्री और फ्रेंड्स जो LDC क्लर्क की सारी पोस्ट हैं, पोस्ट में फ्रेंड्स हमें ये देखना होता है किस पोस्ट में कितनी सीट ऐसी हैं जो विकलांग जनों के लिए हैं। अब मान लीजिए विकलांग जनों के लिए सीट उन्होंने दे दी 100, अब 100 में भी आपको ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या, जैसे आप लो विजन से हैं या फिर आप हैंडीकैप्ड हैं हाथ से या फिर पैर से फ्रेंड्स, या फिर फ्रेंड्स कोई भी आपकी विकलांगता है, हियरिंग इम्पायरमेंट है, लेकिन फ्रेंड्स आपको क्या करना होता है, आपको पूरा देखना होता है सीट में। सीट पर जब देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें। मान लीजिए आपने देखा कि उसके VH के लिए या फिर फ्रेंड्स कोई MI है, HI है, किसी भी कैटेगरी के लिए इतने सीटें, ये कब पता चलता है, जब आप सीट की डिटेल देखेंगे। जब आप उसमें सीट की डिटेल देखेंगे तो उसमें साफ साफ होता है इस कैटेगरी के लिए जॉब है और इस कैटेगरी के लिए नहीं है। मान लीजिए आपके VI के लिए, लो विजन के लिए आपके लिए कोई जॉब नहीं है, उसमें कोई सीट नहीं है, और फिर भी आपने अप्लाई कर दिया ये देखकर कि इसमें इतनी सीटें विकलांग जनों के लिए, उस कंडीशन में भी आप अप्लाई कर देते हैं तो फ्रेंड्स आपको सीट जब है ही नहीं तो कहाँ से जॉब मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये भी एक फैक्टर होता है रिजेक्ट करने का। तो फ्रेंड्स आप इधर उधर की भ्रांतियों में ना फंसे, कन्फ्यूजन में ना आए, क्योंकि आप सुनते रहते हैं इधर उधर से, अच्छा कोई रिजेक्ट भी हो जाता है तो आप तुरंत सुन के आते हैं कि वो रिजेक्ट हो गया, आप झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है यार। आप थोड़ा सा ट्राई करें गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, जब आपके साथ ऐसा हो तो मुझसे आप कह सकते हैं, अदरवाइज यार ऐसा ना हो मैं तो ये चाहूँगा किसी के साथ। दूसरी बात ये बताऊँ, देखिए आप जब भी अप्लाई करें तो सबसे पहले अनेक्जर को काफ़ी अच्छे से पढ़ें। मान लीजिए आप समझ लो जब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है ये, है ना, थोड़ा सा 10 मिनट देकर आप उसको अच्छे से पढ़ें, एक एक अक्षर पढ़ लें, उसमें सब कुछ आपको डिटेल क्लियर हो जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स आपको ये ज़रूर देखना है कि जो आपकी विकलांगता की कैटागरी है उस कैटागरी के लिए कोई सीट है या नहीं है, या तो उसके लिए सीट है तो फ्रेंड्स 100% आपको जॉब मिलेगी, फिर चाहे आप टेम्परेरी हो चाहे फ्रेंड्स आप परमानेंट डिसेबिलिटी वाले हैं। अब दूसरी बात फ्रेंड्स, एक और बात कर रहा हूँ मैं कि UDID कार्ड और फ्रेंड जो आपका विकलांग प्रमाण पत्र होता है दोनों में कौन सा फ्रेंड्स आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए लगता है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो सब फ्रेंड्स आपकी बात बताऊँ मैं आपको, सबसे पहले तो आपका एक जो UDID कार्ड होता है सेम UDID कार्ड वाली वेबसाइट से आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है ऑनलाइन, फ्रेंड्स वो लगता है आपका UDID कार्ड नहीं मांगा जाता है। ओके, तो उस सर्टिफिकेट को फ्रेंड्स आप प्रिंट करवा लें और आप लेमिनेशन करवा के उसको रख लें, उसका यूज होता है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो ऑनलाइन अपना एक अनेक्सर और देते हैं,
फ्रेंड्स, उसको आपको फिल करके संबंधित डॉक्टर से आपको क्या कराना होता है, मोहर वगैरह लगाकर उसको प्रूफ करवाना होता है, वेरीफाई करवाना होता है, ताकि फ्रेंड्स ये पता चले जो आपको ये सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। इतनी सी बात होती है फ्रेंड्स। इस तरीके से फ्रेंड्स आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना आए। आपके पास बस इतना जरूर सोचना है कि जो आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और फ्रेंड्स एक्सपायर हो गया तो फौरन उसको रिन्यू करा लें। बस इतनी सी बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका एक्सपायर ना हो, उसके बाद एक्सपायर होता है तो आप रिन्यू करवा लें। गवर्नमेंट जॉब रोकने मिलने से कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है। अच्छी अच्छी कमेंट करें, अच्छे अच्छे लाइक दें फ्रेंड्स, और उसके बाद मुझे कन्फ्यूजन, देखिए मुझे बुरा नहीं लगता जब आप कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है आप कमेंट किया करें। मिलता हूँ नई फ्रेश इन्फॉर्मेशन, नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।